कोना इलेक्ट्रिक, आखिर यह ड्राइव में कैसी है, चलाने में कैसी है, किस तरह की कार है, कैसा परफॉर्म करती है, क्या इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, कितनी रेंज है, क्या कीमत है और उस हिसाब से यह कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। ड्राइविंग, जी हाँ, ड्राइविंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है और ड्राइविंग के लिए अगर आप चलाए नहीं कार और ऐसा F1 ट्रैक या फॉर्मूला 1 ट्रैक जिसे हम कहते हैं वो ना मिले तो कोई बात नहीं, यही वजह है कि यहाँ चलाने का मजा कुछ और है। हाँ, अगर आप इस कार का इंटीरियर एक्सटीरियर देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और आप कार के सारे फीचर्स के बारे में जान सकते हैं। ये वीडियो पर्टिकुलर ड्राइव के बारे में। चला जाए फिर ड्राइव के ऊपर, कैसी है इसकी ड्राइव? हाँ, चला सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। This is interesting. Yes. 140, 145, 150, 150. Really interesting. मजा आ गया। एक इलेक्ट्रिक कार में सबसे अच्छी चीज यही है कि आपको जब चाहिए तब आपको जरूरत भर की पावर मिल जाती है, वह भी बेहतरीन पावर के साथ। मतलब सारे कर्व्स बड़े शानदार हैंडल हो रहे हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ी सी ओवर स्टीयर फील होती है, बस इतना ही कह सकता हूँ, लेकिन फन रियली मौजूद है। हाँ, इसमें कर्व्स बहुत है जिन पर आपको अपना ड्राइविंग स्किल दिखाने का, सीखने का मौका मिलता है, जो बहुत अच्छी चीज है। मैं मस्त मौला सा चला आ रहा हूँ पीछे तेजी में, वो स्लो स्लो चल रहे हैं क्योंकि वो ठीक पायलट कार के पीछे हैं तो उनको ज़्यादा नियम फॉलो करने पड़ रहे हैं और मैं थोड़ा सा आज़ाद हूँ यहाँ पर। चलाने के मामले में बात की जाए तो मेरा मानना है कि पिकअप काफी शानदार है। 0-100 आपको 9.7 सेकंड में पहुंच जाती है जो कि काफी फास्ट है इस कार के लिए और यही वजह है कि मैं इस कार को ड्राइविंग के लिए काफी अच्छे पॉइंट दे सकता हूं। अब बात करते हैं कि कार का एक्सपीरियंस कैसा है। कार का एक्सपीरियंस काफी बेहतर है, कंफर्ट बहुत बेहतरीन है और बात की जाए क्या लॉन्ग रेंज के लिए बेहतर ऑप्शन है, मेरा मानना है लॉन्ग रेंज के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है ये। आप इसे लंबी दूरी के लिए बिल्कुल ले आ सकते हैं। 452 किलोमीटर की रेंज इसको एक शानदार कार बनाती है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मेरा मानना है पर्सनली कि यह कार चलाने में काफी शानदार है। शांत होना इसकी सबसे बड़ी खासियत है। हम लोग अधिकतर कारों से शिकायत करते हैं कि उनकी कार बहुत नॉइज करती है, बहुत वाइब्रेशन करती है, कोई कहता हमारे गियर में वाइब्रेशन है। इलेक्ट्रिक कार इस जगह पे बेहतर ऑप्शन होते हैं, यानी कि आप सीधी सी बात कही जाए तो आपकी कार आपको एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है जो कि नॉर्मली कारें नहीं दे पाती हैं आपको। यही वजह है कि हम सभी लोग इलेक्ट्रिक कारों को काफी प्रेफर करते हैं। ब्रेकिंग, इसमें दोनों तरह के ब्रेकिंग के ऑप्शन है, आपको पेडल भी मिलता है कि आप चाहे तो नीचे ब्रेक्स का दबा करके भी कार को रोक सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो यहाँ आपको एक पेडल दे रखा है उससे भी आप कार को रोक सकते हैं, जैसे इस समय ये रुक गई है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक कारों में बहुत सारे तरह के हमें ऑप्शन अच्छे मिल जाते हैं जो नॉर्मल कारों में नहीं मिल पाते। फास्ट, इलेक्ट्रिक कारों को फास्ट चलाना बहुत आसान है क्योंकि यह बहुत जल्दी पिकअप पकड़ लेते हैं, तेज स्पीड में चलने के लिए ही डिजाइन होते हैं और बेहतरीन आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं। सच बात तो यह है कि फास्ट चलना इलेक्ट्रिक कारों का नेचर है। बात करें कोना पर तो कोना इलेक्ट्रिक कारों में मेरे अंदाज इंडिया में आने वाली पहली प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कार है। जी हाँ, प्रैक्टिकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह आपको एक बड़ी अच्छी रेंज भी देती है, साथ ही आपको चलाने का थ्रिल भी देती है जो नॉर्मली नॉर्मल कारों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस कार में वह थ्रिल आपको मिल जाता है। F1 ट्रैक क्या इसके लिए जस्टिफाइड है? मेरा मानना है F1 ट्रैक इसके लिए जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस कार को चलाने के लिए आपको हाईवे, सिटी, हर कंडीशन में पूरा मजा मिलने वाला है। F1 ट्रैक इसके लिए छोटा पड़ जाता है इसकी परफॉर्मेंस को नापने के लिए।
हालांकि मैं इस समय 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा हूँ और ये स्पीड बढ़ती जा रही है, 150 पर मैं पहुँच चुका हूँ। अब आगे मुझे टर्न लेना है तो मैं गाड़ी को रोक रहा हूँ। कार चलाने का असली मजा कोना इलेक्ट्रिक में बिल्कुल मौजूद है। हाँ, प्राइसिंग 25,30,000 रुपए की कीमत जरूर आपको चौंकाती है कि क्या यह जस्टिफाइड है कीमत। मेरा मानना है इस टेक्नोलॉजी की कीमत ही अभी ज्यादा है। जब तक कि लिथियम आयन बैटरी सस्ती नहीं हो जाती हैं, तब तक आपको सस्ती इलेक्ट्रिक कारें नहीं मिल पाएगी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है, रीजनरेशन ब्रेकिंग से लेकर फास्ट चार्जिंग की और एक लंबी रेंज, यह आप इस कार को काफी प्रैक्टिकल कार बनाते हैं, जो कि दूसरी कारों के साथ आपको हमेशा कमी फील होगी। हाँ, शायद कोना इलेक्ट्रिक के आने के बाद कुछ और अच्छी इलेक्ट्रिक कारें भी हमें देखने को मिलेंगी। अगर आपने इस कार का इंटीरियर एक्सटीरियर देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर देख सकते हैं कि यह कार देखने में कैसी है और इसमें क्या क्या फीचर्स दिए हैं। मैं अपने इस वीडियो में आपको केवल ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यह चलाने में कैसी है, और मैं खुल के आपसे बोलूँ तो इसके चलाने का मजा बेशुमार है। लेकिन आपको उसके बाद चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तीन तरह के आपको चार्जिंग तरीके मिलते हैं, एक नॉर्मल पोर्टेबल चार्जर जो कार के भीतर रहता है हमेशा, एक रेगुलर डोमेस्टिक चार्जर जो आपको कार के साथ मिलता है, जो आपके घर पर इंस्टॉल किया जाता है। इसके अलावा आपको एक चार्जर मिलता है जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब ड्राइविंग के अलावा अगर आप बात करें क्या परचेज करने के लिए अच्छा ऑप्शन है, मेरा मानना है कि परचेज करने के लिए यह कार रियली काफी बेहतर है। अगर आपको एक इलेक्ट्रिक कार, एनवायरमेंट फ्रेंडली कार की जरूरत है तो यह एक सचमुच काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप पेट्रोल और डीजल के रेगुलर खर्चे से बचना चाहते हैं तो भी यह अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इंडिया के एनवायरमेंट, अपने धरती के प्रति अपनी निष्ठा जताना चाहते हैं तो भी यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, इंडिया में शुरुआती दौर पर एक इलेक्ट्रिक कार ऑन करना कुछ लोगों के लिए यूनो जैसा है और कुछ के लिए थोड़ा जल्दबाजी, यह आपकी सोच पर डिपेंड करता है। लेकिन एक शानदार कार की बात आए और कोना एसयूवीज को इंकार करें, यह पॉसिबल नहीं। ये तो था हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस कि यह कार चलाने में कैसी है, एक्चुअल में कैसी है और किस तरह के परफॉर्म करती है। ड्राइविंग डायनेमिक्स बेहतर है, हैंडलिंग काफ़ी बेहतर है। हाँ, लोअर प्रोफाइल टायर होने का बेनिफिट मिल जाता है। रीजनरेशन ब्रेकिंग से आपको एक्स्ट्रा रेंज मिल जाती है, 452 किलोमीटर्स की रेंज जो ARI सर्टिफाइड है वो काफ़ी बेहतर है। प्रैक्टिकल कंडीशन में आपको लगभग 350 किलोमीटर्स के आसपास की रेंज मिल ही जाएगी, जो रियली इस कार के लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। 25,30,000 कीमत इलेक्ट्रिक कार जो कि बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है उसके हिसाब से मुझे ठीक लगती है। लेकिन हाँ, अगर आप पेट्रोल और डीजल कार से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली यह आपको पहली बार ज़्यादा फील कराएगी। लेकिन यह भी सही है कि जिस पैसे पर आप पॉल्यूशन को अगर जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, पॉल्यूशन की कोई कीमत नहीं, एनवायरमेंट अनमोल है, उसको देखते हुए 25,00,000 रुपये कीमत काफ़ी कम लगती है। यह बात बिल्कुल सही है कि एक रेस ट्रैक पे एक कार को टेस्ट करना बिल्कुल अलग होता है एक्चुअल लाइफ में उसको टेस्ट करने से। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक आप पर्सनली अपनी कंडीशन में किसी कार को टेस्ट नहीं करते तब तक उसके बारे में सही पहचान नहीं कर सकते। और यही वजह है कि मेरा कहना है कि अगर आपका मन एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने का है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक का बटन दबाइए। आपकी राय में कोई और अच्छे ऑप्शंस हो तो उनके बारे में नीचे लिखिए, और कुछ जानना चाहते हो इलेक्ट्रिक कार के बारे में तो ऊपर हमारी प्लेलिस्ट को देखना ना भूलिए। मुलाकात होती रहेगी हमारी आपकी अगले वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए और देखते रहिए आस्क कार गुरु।